करना ये मीटिंग यहां से रिटर्न नहीं हो रही, जूम कनेक्टेड नहीं आ रहा। मीटिंग चल नहीं रही, नहीं कनेक्टेड ना, जूम नॉट कनेक्टेड ऊपर लिखा आ रहा है। इंटरनेट काम नहीं कर रहा यहाँ पे। इंटरनेट आ रहा है मिस। तो ये कैसे इंटरनेट है जो ये रिटर्न बैक नहीं हो रही मीटिंग मेरी। आपकी वॉइस नहीं जा रही थी। वॉइस नहीं जा रही, मीटिंग रिटर्न नहीं हो रही मेरी। मैं स्क्रीन कैसे शेयर करूं जब मेरी मीटिंग ही रिटर्न नहीं हो रही। स्क्रीन में मुझे नजर नहीं आ रही, मैं कहां से पढ़ाऊं। मैम हमें तो नजर आ रही है बेटा, आप लोगों को नजर आ रही है ना, मुझे नहीं आ रही। मैम आप यूनिवर्सिटी हैं जी? मैम आप वहां से किसी से पूछ लें कि शायद सेटिंग में प्रॉब्लम हो। मुझे मेरी क्लास खोल के दे दें, जो मेरी क्लास है वही मुझे खोलना है, उसका सिस्टम ठीक है। ये अपनी ईमेल खोल दी हूँ, अटेंडेंस ना लूँ मैं, कुछ ना करूँ क्लास में। और चले मैं इसमें वो खोल लेता हूँ।
रोज एक ही बात मैं आपको आगे कहती हूँ कि मेरी क्लास खोल दे, मेरी क्लास खोल दे, 15-10 मिनट इसमें गुजर जाते हैं, 1 घंटे में बच्चों को क्या पढ़ाऊं, उसमें अटेंडेंस कहाँ से लूं मैं। हमारे पास रोस्टर नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। तो आप ऊपर बोलेंगे तो आपको रोस्टर भेजेंगे ना, वो भेज नहीं रहे, आप भी बॉदर नहीं कर रहे। बेटा आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अटेंडेंस नहीं लगी? ठीक है, किसको नहीं नजर आ? मैम मुझे भी नजर नहीं आ रही। मैम वो बफर ही हो रही है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब ये ना क्लास दूसरी खोल रहे हैं, अब मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, ना इंटरनेट आज काम कर रहा है, फायरफॉक्स में से आप लेक्चर हमें मेल कर दें। लेक्चर अपलोडेड है वहां से ले लें फिर हम लोग आप इसे पढ़ा दें। चले पढ़ाना शुरू कर दूं, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिल्क के बारे में कि उसका क्या टेस्टिंग क्राइटेरिया है और क्या नहीं है। मिल्क एडल्ट्रेशन इन पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे, कुछ डिफरेंट टेस्टिंग क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि मिल्क के अंदर एडल्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है, या जो मिल्क हमें मार्केट में सॉलिड फॉर्म में जैसे पाउडर में मिलता है या लिक्विड में मिलता है उसके अंदर हम कितनी अमाउंट में केमिकल्स या उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सारा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे एडल्ट्रेशन में कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उसमें नंबर वन पे यूरिया आ जाता है जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, यूरिया मोस्टली कौन से दूध में ज्यादा ऐड होते हैं आपके पास, जो ये टी वाइटनर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो जैसे एवरीडे, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जैसे आपके पास तरंग हो गया, उस तरह के हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टार्च की एडिशन की जाती है। स्टार्च की एडिशन मिल्क के अंदर, इस तरह के मिल्क के अंदर इसलिए इन्होंने एडल्ट्रेशन की है क्योंकि मिल्क प्योर नहीं होता और उसको विस्कस करने के लिए, उसके अंदर थिकनेस और वो माउथ फीलिंग लाने के लिए ये लोग उसके अंदर स्टार्च की एडिशन करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्न स्टार्च डालते हैं, कॉर्नफ्लोर जो होता है, इस तरह ये लोग स्टार्च की एडिशन कहते हैं ताकि वो जो मिल्क है वो थोड़ा थिक नजर आए। इसके अलावा शुगर की एडिशन करते होते हैं, शुगर की एडिशन फ्लेवर के लिए मोस्टली करते होते हैं, या फिर इसके अलावा जो बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क होता है, जो बिल्कुल रॉ एंड ऑर्गेनिक फॉर्म होता है, उसमें थोड़ी सी मिठास होती है दूध में। ठीक है, तो स्टार्च एंड यूरिया के बाद शुगर के एडिशन करके उसको फुली, मतलब वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं दैट इट इज ऑर्गेनिक। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेलिन है, फॉर्मेलिन जो है वो एक डेडली केमिकल है, आप लोगों ने टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, उसकी एडिशन होती है क्योंकि वो अच्छी नहीं होती, पर कुछ इलाकों में जैसे हम लोगों ने जापान पढ़ा था, चाइना पढ़ा था, मैं भूल गई थी, उसके अंदर उन्होंने मिल्क के अंदर एडिशन की थी फॉर्मलिन की, तो उससे काफी सारी डेथ्स हुई थी। ठीक है, फॉर्मलिन की एडिशन किस लिए की जाती है, मोस्टली एक सर्टेन अमाउंट में, एक सर्टेन रेशियो में इसलिए फॉर्मलिन की एडिशन की जाती है ताकि उसकी स्टोरेज जो टाइम है या पीरियड है उसको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, इसमें मैम बेटा मैम आपकी स्क्रीन मूव ही नहीं हो रही, वो कोर्स नेम ही बस शो हो रहा है। कहां पे? वो स्क्रीन पे बेटा, स्क्रीन का मसला है। ठीक है, वो फायरफॉक्स लेक्चर ईमेल करते हैं ताकि हम ना वो ओपन कर लें फिर अपने पास स्लाइड्स, एक दफा बस आप ईमेल कर दें। सेशन नंबर 2 या 3 के अंदर लेक्चर नंबर 6 है। ओके मैम, ठीक है, तो उसकी एडल्ट्रेशन हम लोग इस वजह से करते हैं। अच्छा, जो फॉर्मेलिन है वो क्या है, वो आपके पास हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, अगर आप फॉर्मेलिन की इनडाइजेशन करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, 30 ml है जो कि इक्वल टू 1 ounce होता है, और 1 ounce जो होता है वो तकरीबन आपके पास होता है 4 से 8 tablespoons के करीब होता है। उसकी अगर आपकी बॉडी के अंदर चला जाए तो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्म में कॉज कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, इट इज यूज इन मिल्क इज कंसीडर्ड एज एडल्ट्रेशन। ठीक है, बट इसकी एक सर्टन लेवल है, उसमें इसकी एडिशन करनी, इससे ज्यादा एडिशन नहीं करनी, पर गवर्नमेंट की तरफ से ये अलाउ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो अलाउड है दूध के अंदर एड करने के लिए। ठीक है, स्लाइड नंबर 7 पे हमारे पास है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मिल्क की पैकेजिंग के लिए कौन सी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशन ये है कि आपने मैन्युफैक्चरर, साइंटिस्ट, सप्लायर, कंज्यूमर, फूड टेक्नोलॉजीज और टेस्टिंग अथॉरिटी और जो शरिया स्कॉलर्स होते हैं उनसे सर्टिफाई करने हैं पैकेजिंग को और अपनी मिल्क की पैकिंग की टाइम को। ये कुछ
अथॉरिटीज है जिनसे आपने रजिस्टर करवाना है, उसमें कौन कौन आ जाता है? मैन्युफैक्चर, साइंटिस्ट, PCSIR वगैरह जैसे हो गए, वहां से लैब टेस्टिंग करवानी है आपने। जो आपके सप्लायर्स हैं उनको नो हाउ होनी चाहिए, आपके कंज्यूमर को, आपके फूड लेबलिंग का जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था ड्यूरिंग रमजान, कंज्यूमर को वहां से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। फूड टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, वो डिफरेंट टेस्टिंग करता है मोस्टली, अगर आप लोग देखें तो ये दूध के अंदर जो एडिशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो होती है, या फिर जो न्यू फ्लेवर्स हमारे पास आते हैं या जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाती है, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। इसके बाद फिर टेस्टिंग अथॉरिटीज होती है जिनके हाथ में होता है आपको सर्टिफाई करना, ठीक है। और शरिया स्कॉलर्स का सिर्फ ये होता है कि वो डिफरेंस बता देते हैं कि इधर इट इज हलाल और हराम, ठीक है। पैकेज फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, मिल्क फुल क्रीम मिल्क हम किसे कहेंगे? मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम वन और मोर हेल्दी मिल्क एनिमल्स, ठीक है, ऐसा दूध जो के जो मिल्किंग एनिमल, मिल्क एनिमल्स किसे कहते हैं? दूध देने वाले जानवर, ठीक है, एक या एक से ज्यादा का जो हेल्दी एनिमल होता है उसका दूध लेंगे हम, और वो हलाल होना चाहिए, जिसमें काउ, बफलो, गोट, शीप वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। पर ये दूध जो होना चाहिए वो क्लोस्ट्रम से फ्री होना चाहिए। क्लोस्ट्रम क्या होता है? जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, वो क्लोस्ट्रम से फ्री होना चाहिए, प्रोसेस्ड होना चाहिए और स्टेरिलाइज होना चाहिए। दूध भी स्टेरिलाइज होना चाहिए और जिस मशीनरी के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है, जो पेस्टराइजेशन मशीन होती है वो भी आपके पास स्टेरिलाइज होनी चाहिए। देन आ जाता है हमारे पास स्टेरिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। स्टेरिलाइजेशन और प्रोसेसिंग दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, जब हम पेस्टराइजेशन करते हैं, बहुत दफा आप लोग पढ़ चुके हैं, लो टेम्परेचर पे मोर टाइम के लिए करते होते हैं पेस्टराइजेशन, ठीक है। और UHT क्या होता है, जब हाई टेक्नोलॉजी हम अप्लाई करते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए हाई टेम्परेचर के ऊपर हम लोग अल्ट्रा हाई हीट जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। पेस्टराइज मिल्क जो है उसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं है, अगर आप उसकी एक दफा ओपनिंग कर लें या फिर उसको आप लंबे अरसे तक शेल्फ पे नहीं रख सकते, बट जो UHT टेक्नोलॉजी से आपके पास प्रोसेस होके आता है उसकी वैसे भी लाइफ ज्यादा होती है और उसकी शेल्फ लाइफ भी 3 से 6 महीने तक आपके पास होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक वार्निंग है कि आप खुद से या कोई भी पर्सन जो है वो खुद से डिजिग्नेट नहीं कर सकता कि मिल्क जो है हमारे पास वो स्टेरिलाइज है या वो UHT टेक्नोलॉजी है, अनलेस कब तक नहीं कर सकता, ही कंप्लाइंस द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। स्लाइड नंबर 11 पे आपके पास है UHT क्या है हमारे पास। UHT हमारे पास होता है हीटिंग मिल्क अबव 135 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, 135 से अबव टेम्परेचर पे जब आप दूध के ऊपर हाई हीट अप्लाई करते हो 1 से 2 सेकेंड्स के लिए, उसको हम लोग UHT टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। UHT टेक्नोलॉजी क्या करता है, वो अगर दूध के अंदर पेस्टराइजेशन के बाद भी कोई स्पोर्स या कोई बैक्टीरियाज रह गए हैं तो उनको फिनिश कर देते हैं, उनको किल कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर या UHT क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड है दूध का पैकेजिंग से पहले, ठीक है, देन फिलिंग इनटू प्री स्टेरिलाइज्ड कंटेनर्स इन स्टेरिलाइज्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। पहले आपने दूध को 1 से 2 सेकेंड पे 135 डिग्री पे आपने उसको स्टेरिलाइज करना है, फिर उसकी पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग जिन कंटेनर्स के अंदर करनी है वो भी प्री स्टेरिलाइज होने चाहिए, ठीक है। पहले उनके ऊपर भी स्टेरिलाइजेशन में मोस्टली हम लोग गर्म पानी के अंदर हीट अप्लाई करते हैं अपने यूटेंसिल्स के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद जो एनवायरनमेंट है उसमें भी कंप्लीट SOPs फॉलो करते हुए एनवायरनमेंट को भी स्टेरिलाइज करना है, जो एरिया है आपके पास वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। देन है पेस्टराइजेशन, ठीक है, UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है। पेस्टराइजेशन क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 15 सेकेंड्स के लिए, अल्ट्रा हाई में 1 से 2 सेकेंड के लिए, पेस्टराइजेशन में 15 सेकेंड्स के लिए हम लोग दूध को गर्म करते हैं 72 डिग्रीज पे, ठीक है। फिर उसको हम इमीजिएटली कूल डाउन कर देते हैं 4, जो नॉर्मल एक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर हम लोग गर्मियों में रखते होते हैं, सबका डिफरेंट होता है, बट मोस्टली 4 डिग्रीज 4 सेल्सियस पे हम लोगों ने एकदम से मिल्क को कूल डाउन कर देने, ठीक है। गर्म करके सारे बैक्टीरिया हमने मार दिए, ठंडा हमने जल्दी इसलिए करना है कि अगर हम उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ठंडा करेंगे तो उसके अंदर दोबारा से बैक्टीरिया के जिंदा होने के चांसेस हैं, तो एकदम से गर्म करना है और एकदम से उसको 4 टेम्परेचर पे 72 से लेके आना है, ठीक है। अच्छा, एफिशिएंट जो आपके पास पेस्टराइजेशन होगी, जो अच्छे तरीके से पेस्टराइजेशन होगी, वो क्या करेगी, जब उसके ऊपर हम लोग फॉस्फेट का टेस्ट अप्लाई करेंगे
तो वो उस टेस्ट को नेगेटिव करेगी, ठीक है, पॉजिटिव नहीं आएगा. अगर तो पेस्टराइजेशन के बाद भी फास्फेट का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, दैट्स मीन आपने सही तरीके से पेस्टराइजेशन नहीं की थी, ठीक है. मैम फास्फेट टेस्ट होता कैसे है? बेटा फास्फेट टेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सारी टेस्टिंग क्राइटेरियाज है हमारे पास. कॉलीफॉर्म काउंट क्या है? कॉलीफॉर्म आपको पता है इट्स अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग, जो 10 ml के ऊपर इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 ml से ऊपर ज्यादा. अगर 10 ml से ऊपर आपके पास कॉलीफॉर्म एक्सीड कर गया, ठीक है, तो वो दूध जो आपके पास है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है. अच्छा, टेस्टिंग आप कब कर सकते हैं? एट एनी टाइम आफ्टर पेस्टराइजेशन बिफोर डिलीवरी टू द कंज्यूमर, ठीक है. इसके अलावा आप टर्बिडिटी टेस्ट देखें, टर्बिडिटी टेस्ट आज के ही लेक्चर के लास्ट स्लाइड्स में आपके पास है, ठीक है. टर्बिडिटी टेस्ट में आपको जनरल यहाँ पे बता देती हूँ, किसी भी लिक्विड की क्लियरेंस देखने के लिए, कि उसको अगर क्लाउडी नहीं है, क्लियर है, अगर उस टेस्टिंग को हम लोग टर्बिडिटी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है. टू सी अ लिक्विड क्लियर इज नॉन एज टर्बिडिटी टेस्ट. वो लिक्विड कोई भी हो सकता है, वो जूस भी हो सकता है, वो दूध भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है. अच्छा, पैकेज्ड फुल क्रीम, ठीक है, स्लाइड नंबर 13, शेल कंटेन नॉट लेस देन 8.50 ऑफ मिल्क सॉलिड्स, ठीक है. जो पैकेज फुल क्रीम है उसमें 8.50 से कम जो है आपके पास सॉलिड्स नहीं होने चाहिए. अगर इससे कम आपके पास मिल्क सॉलिड है, ठीक है, इसका मतलब है वो फुल क्रीम नहीं है आपके पास, ठीक है. नॉन फैट मिल्क सॉलिड, जो MSNF है वो है मिल्क सॉलिड नॉन फैट, ठीक है, एंड नॉट लेस देन 3.5. और जो नॉन फैट सॉलिड्स हैं वो 3.5 से कम नहीं होने चाहिए. नॉन फैट सॉलिड्स कौन से होते हैं आपके पास? लैक्टोज, केसीन, वे प्रोटीन और मिनरल्स, ये आपके पास नॉन फैट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इन सॉलिड का रीजन क्या है, क्यों होने चाहिए दूध के अंदर, ठीक है. इनका रीजन है ये टेक्सचर अच्छा करते हैं, ठीक है, एक मिल्क का एक प्यारा सा फॉर्म होता है, एक मॉइस्ट सा. आपने देखा होगा अगर दूध थोड़ा अच्छा होता है तो वो किसी भी ग्लास या बॉटल के साइड्स पे रह जाता है और उसकी जो ड्रिपिंग होती है वो बड़ी स्लो होती है, ठीक है. उस टेक्सचर को अच्छा करने के लिए और जो माउथ फील एक क्रीमीनेस माउथ के अंदर आती है, तो उसके लिए जरूरी होता है कि इसमें 8.5 जो आपके पास मिल्क सॉलिड होने चाहिए नॉन फैट, ठीक है, नॉट लेस देन 3.5 ऑफ मिल्क फैट, ठीक है. ये क्राइटेरिया है, अगर इस क्राइटेरिया से ऊपर या नीचे होगा तो वो आपके पास फुल, ज्यादा हो जाएगा तो खैर है, पर कम होगा तो वो आपके पास फुल क्रीम मिल्क के अंदर नहीं फॉल करेगा, ठीक है. मिल्क सॉलिड क्या है? मिल्क सॉलिड हम लोग रेफर करते हैं जो ड्राइड पाउडर लेफ्ट आफ्टर आर द वॉटर इज रिमूव, ठीक है. जब आपके पास रिमूविंग होती है मिल्क सॉलिड, तो लिक्विड मिल्क से जब हटाया जाता है, ठीक है, तभी आपके पास ड्राई मिल्क बनता है, वो ड्राई मिल्क जो कि अच्छा वाला होता है, ठीक है. मिल्क सॉलिड्स होते हैं उसमें आपके पास, इसके अलावा डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है. 1 gram ये आपके पास आ सकता है, या फिर 352 रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है आपके पास, ठीक है. आसान अल्फाज में समझा देती हूँ. मिल्क फैट जब आप लेते हो, एक दफा आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो दूध की, ठीक है, दूध डिहाइड्रेट हो गया, आपके पास मिल्क फैट आ गया, ठीक है. बट वो क्या होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन के ड्यूरिंग काफी सारा मॉइस्चर, काफी सारा वे प्रोटीन और कैसीन जो है वो आपके पास इवेपोरेट हो जाएगा, फिर आपने उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करनी होती है. रिकॉन्स्टिट्यूशन आप लोग उसमें कुछ केमिकल्स की एडिशन करते हो और कुछ आप उसमें फोर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा से उसके अंदर मॉइस्चर या क्रीम या कैसीन या वे की एडिशन आप कर सकते हो, उसकी डिफरेंट परसेंटेजेस है आपके पास, ठीक है. मिल्क सॉलिड एडजस्टमेंट, ठीक है, पैकेज फुल क्रीम में भी एडजस्टेड बाय एडिंग डेरी क्रीम, ठीक है. दूध आपके पास एक दफा आ गया, फिर उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी, आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसमें डेरी क्रीम ऐड कर सकते हो. कंसेंट्रेटेड मिल्क जो होते हैं, एक ड्राइड फॉर्म होती है, एक ड्राइड और लिक्विड के मिडल में जो फॉर्म होता है आपके पास, आप कह सकते हो कि कंडेंस मिल्क एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कंसेंट्रेटेड मिल्क में, उसकी एडिशन कर सकते हो, ठीक है. ड्राई होल मिल्क डाल सकते हो, ये जो आपके पास जैसे ऑलपर्स हो गया, या फिर जो मिलिट्री फॉर्म के खुला ट्रांसपेरेंट पैकेट में मिलिट्री के जो फॉर्म्स होते हैं उनका ड्राई मिल्क आता है, वो आपके पास होल मिल्क होता है, वो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है, उसकी एडिशन कर सकते हो. थोड़ा सा स्किम मिल्क ऐड कर सकते हो, कंसेंट्रेटेड या नॉन फैट ड्राई मिल्क आप ऐड कर सकते हो, ठीक है. कंप्लाई विद द अबव कंपोजिशन, ठीक है, उसकी फिर कंप्लाइंसेस होती है, कितने अमाउंट में कितना आपने ऐड करना है वो डिपेंड करता है व्हाट सॉर्ट ऑफ मिल्क आर यू मेकिंग, ठीक है. अगर आप चाय के लिए बना रहे हो तो आप इतना उसके उसको हैवी नहीं करोगे, बट लेट्स सपोज अगर आप एडल्ट्स जो हैं, ये जो टीनएजर्स हैं, उनके लिए ड्रिंकिंग के लिए बना रहे हो, उसमें एडजस्टमेंट करनी है,
तो फिर जो क्वांटिटीज हैं वो वेरी कर सकती हैं आपके पास, ठीक है। अगर आप देखें भी ना एडजस्टमेंट, अगर किसी मिलाक वगैरह को उठा ले, मिलाक के ऊपर आई गेस मेंशन है एडजस्टमेंट, तो वो डिफरेंट होगी। जो चाय वाला मिलाक है वो उसकी डिफरेंट है, और जो ड्रिंकिंग वाला मिलाक है ना उसकी कंस्टिट्यूशन जो है वो चेंज है। फिर स्लाइड नंबर 16 पे है पैकेज फुल क्रीम मिल्क। पैकेज फुल क्रीम मिल्क में भी होमोजेनाइज, ठीक है, होमोजेनाइजेशन कब होती है, जब उसकी हम मिक्सिंग करते होते हैं किसी भी दो चीजों की, एंड कंटेन्स द परमिटेड फूड एडिटिव्स, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स इन मिल्क, ठीक है। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि जो उसके अंदर जब जैसे आप बटर मिल्क बनाते हो वो होमोजेनाइज होता है, उसमें से बटर अलग हो जाता है और दूध जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। बट जब आप होमोजेनाइज करने की को आपने रिमूव करने, आप लोग देख लें अगर घर का जो दूध अगर आपने एक दफा उबाल के उसमें से क्रीम उतार ली होती है, बट नेक्स्ट टाइम लेट सपोज आप चाय के लिए उसको उबाल रहे हो या पीने के लिए उबाल रहे होते हो तो उसके ऊपर फिर से फैट्स आ जाते हैं, ठीक है। बट आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके पास दूसरा वाला मिल्क होता है बॉइलिंग के साथ, तो खैर उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत लेयर आ जाती है ऑलपर्ड्स वगैरह पे ड्यू टू हीट। बट अगर आप ठंडे में देखें तो अगर आप जो घर का खुला दूध है ठंडा उसको छाने तो उसमें से आपके पास निकलेंगे कुछ फैट्स मॉलिक्यूल्स। बट अगर आप ऑलपर्ड वगैरह को ठंडे रूम टेम्परेचर पे छानेंगे तो उसके ऊपर आपके पास कोई फैट मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे, वो फुल क्रीम है फिर भी उसके ऊपर आपके पास वो जो पार्टिकल्स है वो नहीं आ रहे, क्योंकि उसकी अच्छी तरीके से होमोजेनाइजेशन हुई, उसके अंदर जितने फैट्स थे वो उसी पानी के दूध के अंदर उस फैट्स को मिक्स करके उसको एक विस्कस कर दिया है, उसको एक फर्म बॉडी दे दी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब दो चीजों को मिला दिया जाता है उसको हम होमोजेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि स्टोरेज के टाइम पे उसके ऊपर कोई लेयरिंग या उसके ऊपर कोई सिटिंग नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। अगर आप घर का दूध देखें, आप उसको कुछ देर रखते हैं तो वो बैठ जाता है आपके पास, ठीक है। लास्ट वाला जो दूध होता है जो आप पैन में से निकालते हो वो बैठा हुआ होता है, ठीक है। बट जो ऑलपर्स वगैरह है ये कितने कितने अर्से हमारे पास, अपने घर में भी हमारे पास कितना अर्से, 3-4 महीने अक्सर हम लोग रख लेते होते हैं अगर आप बड़ा कार्टन ले आए तो, कभी भी उसके अंदर जो होती है वो पार्टिकल की सेटलमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसकी होमोजेनाइजेशन हुई होती है आपके पास, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ मिल्क फैट एंड मिल्क सॉलिड एंड नॉन फैट MSNF कंटेंट्स इन पैकेज लिक्विड मिल्क, ठीक है। जो पैकेज फुल क्रीम मिल्क होते हैं उसमें आपके पास मिनिमम 3.5 मिल्क फैट होना चाहिए और 8.5 नॉन फैट होना चाहिए। इससे जो लो फैट है उसमें 2.0 या उससे मैक्सिमम पे मिल्क फैट होना चाहिए और 8.5 जो आपके पास मिल्क सॉलिड है वो ऑलमोस्ट 8.5 या उससे मिनिमम है। जो आपके पास मिल्क फैट है सॉलिड मिल्क फैट, उसकी परसेंटेजेस जो है वो वेरी कर रही है। फुल क्रीम में 3.5 है, लो फैट में 2.0 है, स्किम में 0.5 है, ठीक है। फिर इसी तरह हैवी मेटल रिक्वायरमेंट्स फॉर पैकेज लिक्विड मिल्क, ठीक है, क्योंकि लिक्विड मिल्क है उसमें थोड़ी बहुत आपके पास हैवी मेटल्स की जो है वो एडिशन हो जाती है। तो लेड की 2.0 ppm है, ठीक है, पर पार्टिकल पता नहीं माइक्रोमीटर, मतलब ये होता है कि अगर एक कप है ना तो उसके कोई 150th point पे इतना लेड आना चाहिए, सपोज कर रही हूँ, कंफर्म नहीं है, ठीक है। मतलब वो अगर है भी तो वो इतना माइनर हो कि उसका कोई किसी की सेहत पे असर ना पड़े, ठीक है। फिर इस दिन आर्सेनिक है, केडियम है, 0.1 and 1.0 उनकी रेशियो है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है आपके पास, ठीक है। इतनी एडिशन हो सकती है, ना भी आप करना चाहे तो वो कहीं से प्रोसेसिंग की ड्यूरिंग या फिर जो पैकेजिंग होती है उससे उसके अंदर एडिशन हो जाती है। इसी तरह मेलामीन है, इसी तरह एफ्लाटॉक्सिन M1 है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट ऑफ फूड एडिटिव एंड परमिसिबल लिस्ट, ठीक है, कौन से एडिटिव जो है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये जितने भी आपके पास नाम है, डाई सोडियम है, ट्राई सोडियम, पोटेशियम, डाई पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, एमोनियम डी हाइड्रोजन फॉस्फेट है और डी एमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ठीक है। किस लिए यूज होते हैं हमारे पास, इनकी मैक्स लिमिट जो आपके पास है 1500 mg/kg, ठीक है, मिलीग्राम एक बहुत माइनर सी चीज होती है, बहुत छोटी अमाउंट होती है। फंक्शन एंड पर्पज इनका क्या है, एज ए स्टेबलाइजर यूज होते हैं टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, इमल्सीफायर के लिए यूज होते हैं ताकि वो सेपरेट ना हो,
और जो इतना भी मिल्क का पीएच है, जो एसिडिटी है, उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग ये वाली केमिकल्स जो हैं वो परमिसिबल है और ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे हैं, इनमें से अगर आप 5-6 के भी नाम याद कर लेना तो काफी होगा आपके लिए. फिर इसी तरह कैराग्रीन है, मोनो एंड डायग्लिसराइड फैटी एसिड है, गॉर्गम है, सोडियम एलिजिनेट है, एलिस्टिनिन है, ओगम अरबिक है, ये भी स्टेबलाइजर्स हैं और ये भी मल्सिफायर है. ठीक है, इनकी मैक्स रेंज क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनको फॉलो करते हुए जितना मिनिमम आप इसको रख सकते हैं तो ठीक है. एप्लीकेशंस अब हम क्यों डालते हैं दूध के अंदर, 23rd नंबर स्लाइड पे है. माउथ फीलिंग के लिए ठीक है, वो अच्छा सा आपके मुंह के अंदर टेक्सचर है उसके अंदर उसको विस्कस करने के लिए, फोम स्टेबिलिटी के लिए जो उसके ऊपर झाग आती है उसकी फोम स्ट्रक्चर के लिए, उसके प्रोटीन स्टेबिलिटी के लिए ताकि उसके प्रोटीन जो है हमारे पास क्योंकि प्रोटीन जो है वो बहुत इजीली सेपरेट हो जाते हैं, उसको स्ट्रांग रखने के लिए. किन कंडीशंस में, जब कंडीशंस आपके पास गर्म होती हैं या फिर एसिडिक होती है. ठीक है, चॉकलेट मिल्क के अंदर हम लोग डालते हैं, चॉकलेट मिल्क मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए, जितना भी आपके पास फ्लेवर मिल्क है चाहे स्ट्रॉबेरी बनाना है मैंगो है, ठीक है, सबके अंदर मिल्क शेक के अंदर जो आपको पास पैक मिल्क शेक्स हैं या फिर जो आपके पास बिगर लेवल पे जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे जो होटल्स हैं उनके अंदर भी डाल देते होते हैं. डेरी क्रीम्स के अंदर, क्योंकि आपने देखा हो ना घर की जो क्रीम होती है तो उसमें भी लेयरिंग बन जाती है, दूध थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो मोटी वाली आपके पास क्रीम होती है वो अलग हो जाती है. ठीक है, बट जो डेरी क्रीम्स होती है वो भी होमोजेनाइज होती हैं, उनके अंदर स्टेबलाइजर्स डाले गए होते हैं. ठीक है, वो इसी वजह से होता है कि उनके एक अच्छा सा टेक्सचर आए, क्यों, क्योंकि हमने उनसे फर्दर फिर उनको विप करके उनसे डेकोरेशन वगैरह मोस्टली करनी होती है. ठीक है, इमर्जन स्टेबिलिटी के लिए थ्रू आउट द इंटायर शेल्फ लाइफ. ठीक है, ताकि उसके अंदर सेपरेशन हो. अब बटर की सिर्फ एग्जाम्पल देख ले, घर पे जो बटर होता है जिन बच्चों ने कभी निकाला हो या जिन बच्चों ने कभी किचन में देखा हो, तो जो घर वाला बटर होता है उसको आप चाहे जितना मर्जी ड्रेन कर लें, आफ्टर सम टाइम्स एक दो घंटे के बाद उसमें थोड़े से लिक्विड जो है वो निकल आता है, पानी निकल आता है आपके पास. ठीक है, बट जो आपके पास मार्जरीन है या जो मार्केट लेवल पे जो आपको नेस्ले का या ब्लू बैंड का जो बटर या नूरपुर का मिलता है वो एज इट इज उसकी ब्लॉक वाली शेप होती है, कभी उसमें से पानी नहीं निकलता क्योंकि उसके अंदर स्टेबलाइजर होती है, वो उसकी इमल्जन को सही करके रखता होता है. फिर हम लोग आ जाएंगे हाइजीन पे. पीएस 3944 कोड ऑफ प्रैक्टिस है, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कोड्स होते हैं लॉ के, उसकी कोडिंग है. ठीक है, हाइजीन को हम लोगों ने क्या करना होता है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ फूड हाइजीन द कोड ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. ठीक है, CACRC 57/2004 में ये बिल पास हुआ था, उसके अंदर दूध और दूध से बनी हुई अशिया की हाइजीन को देखा गया था. ठीक है, इसके अलावा दूसरे किस्म के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बनाए थे उन्होंने, एस्टैब्लिश किए थे, किस लिए, कि जो दूध के अंदर माइक्रोब्स वगैरह आते थे उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाया था कि कितने माइक्रोब्स पे दूध जो है वो सही नहीं होगा, कितने माइक्रोब्स पे दूध जो है वो एक्सेप्टेबल है. इस तरह के कुछ थोड़े बहुत छोटे बहुत जो थे वो रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे हमारे पास 1997 में. फिर हमारे पास थी मार्किंग, नेम एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, वो लेबलिंग में आप लोग पढ़ चुके, फुल क्रीम फॉर पैकेज्ड, फुल क्रीम मिल्क, लो फैट और फॉर पार्शली स्किम मिल्क. ठीक है, फुल क्रीम मिल्क हम लोगों ने क्या करना है, उसको पैकेज्ड फुल क्रीम के नाम से करना है और लो फैट को पार्शली स्किम बोलेंगे हम लोग, स्किम मिल्क फॉर पैकेज स्लिम स्किम मिल्क. ठीक है, इसके अलावा नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर और बैच और कोड नंबर. ठीक है, बैच भी आपने देखा होगा और कोडिंग भी आप लोगों ने देखी होगी, कोड्स लिखे होते हैं जूसेस और दूध के ऊपर, कोड बार्स बने होते हैं, इसके अलावा बैच नंबर होते हैं, इतने ये इसका ये वाला बैच था. ठीक है, फलाना 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 नंबर थे, इसके अलावा एड्रेस लिखा होता है और मैन्युफैक्चरर का जितना भी ईमेल इंस्टा और ये सारी चीजें जो होती हैं इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग लेबलिंग में पढ़ चुके, मार्किंग के अंदर भी यही आता है आपके पास. ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, ठंडे जगह पे रखना है, शेल्फ पे रख सकते हैं, ओपनिंग के बाद कहाँ रखना है, यूज से पहले शेक करना है, ये सारी इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसके अलावा नेट वेट होता है. ठीक है, एवरेज वॉल्यूम प्रिंसिपल विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, जो एवरेज वॉल्यूम प्रिंसिपल है वो भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, एवरेज निकाल लेते होते, उसमें एज इट इज नेट वेट नहीं लिखा होता. फिर इसी तरह हमारे पास पीएस और आईएसओ और सीएसी डिफरेंट इदारे हैं, उन्होंने कुछ मेथड्स बनाए थे जिससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि दूध के अंदर एडल्ट्रेशन हुई है, आया दूध प्योर है या नहीं है. ठीक है, ये डिफरेंट बातें थी. फिर जो टर्बिटरी टेस्ट की हमने ऊपर बात की थी,
वो यहाँ पे आप भी आ गए कि टर्बिडिटी टेस्ट के एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन एट स्टरलाइज्ड मिल्क फिल्ट्रेट नॉट कंटेन वे प्रोटीन, जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर अगर वे प्रोटीन नहीं आएंगे तो टर्बिड होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम 4 ग्राम ऑफ अमोनिया लेंगे। बेसिकली बेटा अगर ये यूनिवर्सिटी खुल गई तो ये प्रैक्टिकल वर्क है आपका सारा, ये हम लोग यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं इफ यूनिवर्सिटी ओपन होती है। 4 ग्राम अमोनियम लेंगे हम लोग, ठीक है। सल्फेट इन कहाँ कितने 50 ml का जो फ्लास्क होता है उसके अंदर, उसके अंदर हम लोग 20 ml जो है 20 ml 20 ml ऑफ मिल्क को ऐड करेंगे। फिर इस फ्लास्क को लेके जिसके अंदर 4 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट है और 50 ml का फ्लास्क है और जिसके अंदर 20 ml दूध है, इन दोनों को हमने 60 seconds या 1 minute के लिए अच्छी तरीके से शेक करने, फिर हमने इस फ्लास्क को सेटल होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। फिर हमने इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, इस सैंपल को लेके फिल्टर कर देना है, 5 ml के टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसको डाल देना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने खोलते हुए ये बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको डाल देना है ऑन फिल्ट्रेशन, ठीक है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट सेटलमेंट, 5 मिनट पानी के अंदर हम लोगों ने वही वाली टेस्ट ट्यूब अब रख देनी है, ठीक है। फिर हमने जो टेस्ट ट्यूब है उसको इमीडिएटली ठंडे पानी के अंदर ट्रांसफर कर देना है और फिर हमने एग्जामिन करना है टेस्ट ट्यूब को, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास फिर लो टर्बिडिटी और हाई टर्बिडिटी का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे वाटर है, जितना लो टर्बिट होगा उसमें इम्प्योरिटीज कम होगी, जितना हाई टर्बिट होगा उतनी ही उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होगी, ठीक है। अगर तो लो टर्बिट में आ जाएगा तो वो अपना टेस्ट क्लियर कर लेगा, दूध साफ निकल जाएगा। अगर वो हाई टर्बिट में आ जाएगा तो देयर आर समथिंग इन दिस मिल्क, किसी चीज की एडिशन या अल्टरेशन हुई है, फिर उसकी फर्दर PCSIR में बड़े पैमाने पे टेस्टिंग होगी कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, ठीक है। सो एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल था आपका, ठीक है। अल्कलाइन फास्फेट टेस्ट फॉर पेस्टराइज मिल्क, ठीक है। फिर पेस्टराइज मिल्क के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं अल्कलाइन फास्फेट का, ठीक है। ये जो लिंक इसमें डाली है बेटा, ये चेक करनी है आप लोगों ने। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दूध के अंदर अल्कलाइन फास्फेट डाल देंगे, डायसोडियम नाइट्रोफिनाइल फास्फेट और अच्छा ठीक है, फिनोल जो है जो फिनाइल फास्फेट है, अगर ये क्या करता है, गिव्स येलो इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अगर दूध अल्कलाइन मीडियम में तो ये येलो कलर देगा आपके पास, ठीक है। फिर हम लोग फॉर्मलिन के लिए टेस्ट करते होते हैं। फॉर्मलिन के लिए हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, हम लोग 10 ml ऑफ मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब ही अगर आप 10 ml के लिए लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग 5 ml कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है HClBG से बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेसेस हो सकते हैं फेरिक क्लोराइड के, ठीक है। एट द अबव थ्रू द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, विदाउट शेकिंग, शेक नहीं करना, आपने स्टेडी मूवमेंट के साथ इसकी एडिशन कर देनी है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर आपके पास वॉयलेट या ब्लू कलर का रिंग अपीयर्स होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू लेयर्स, इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फॉर्मलिन, ठीक है। दूध आप डालेंगे एकदम इंटरसेक्शन होगी, अगर उस इंटरसेक्शन के बीच के अंदर लाइन बन गई आपके पास एक रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल हमने 2019 में किया था जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज अब टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के बीच में एक लाइन बन जाएगी ब्लूइश वॉयलेट कलर की, ठीक है। अगर वो बन गई तो इसका मतलब है इस दूध के अंदर फॉर्मलिन की एडिशन हुई हुई है, ठीक है। स्लाइड नंबर 33 पे आपके पास है पिक्चर फॉर्म में, ठीक है। इफ मिल्क इज कंटेमिनेटेड बाय स्टार्च देन ऐड अ ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू वार्म मिल्क, ठीक है। अगर आपको शक है घर में, ये तो आप घर में भी कर सकते हैं क्या आपके दूध वाला जो है या जो गवाला है वो इसके अंदर कॉर्न स्टार्च वगैरह डाल दे, तो उसके अंदर आप टेंचर आयोडीन डाल दे। टेंचर आयोडीन जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, दूध का रंग जो है थोड़ा सा वो पर्पलिश सा हो जाएगा, आपके पास मूव सा कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं आयोडीन के लिए टेस्ट आगे जाके है, ठीक है। टेक सम मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन एंड शेक इट, ठीक है। दूध लिया आपने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, ठीक है, बेशक 2 tablespoons या 3 ml आप ले लें, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स 2 to 3 drops आप उसके अंदर आयोडीन का सोल्यूशन डालें, ठीक है। द येलोइश कलर ऑफ द मिल्क कंफर्म दैट मिल्क इज नॉट एडल्टरेटेड, ठीक है। अगर दूध आपके पास येलो हो जाए आयोडीन के एडिशन के बाद तो इट मीन दूध ऑर्गेनिक है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं है, ठीक है। इफ मिल्क सैंपल एडल्टेड विद स्टार्च, ठीक है, अगर स्टार्च के एडिशन है तो क्या होगा, वॉयलेट या ब्लू कलर का आपके पास मिल्क हो जाए, ठीक है। ये वाली जो टेस्टिंग है ये एट द स्पॉट टेस्टिंग है, आप ये वाली किट लेके, मतलब जो फूड अथॉरिटी वाले होते हैं वो खड़े खड़े किसी भी मिल्क शॉप पे ये वाली टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इतनी
टाइम रिक्वायरमेंट है, इतनी मशीनरी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जो सिंथेटिक मिल्क है उसकी आप टेस्टिंग किस तरह कर सकते हैं? टेक इनफ मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, ऑलमोस्ट 7 से 8 ml दूध आप ले लें, उसको फिर डिप अ पीएच स्ट्रिप इन द मिल्क। ठीक है, मिल्क के अंदर पीएच स्ट्रिप होती है, आप लोगों ने 9th-10th की केमिस्ट्री में देखे होंगे, वो आपने लेने। नॉट अडल्टरेटेड मिल्क विल कलर बी लाइटर। ठीक है, पीएच पेपर जो आपके पास होते हैं उसके ऊपर अगर लाइटर कलर, लाइटर टोन पे आ रहा है पीएच के ऊपर, क्योंकि पीएच पेपर जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसके ऊपर अगर पानी भी डाल दें तो वो पीएच बता देता है आपको। ठीक है, अगर लाइटर शेड आ रहे हैं तो इसका मतलब है दूध के अंदर किसी किस्म की अडल्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, ग्रीन और ऑरेंज विद पीएच वैल्यू ऑफ 6-7, अगर ग्रीनिश टू ऑरेंजिश कलर आता है तो इसका मतलब है दूध का जो पीएच है वो 6 से 7 के दरमियान में फॉल करता है या 6 से 7 है। ठीक है, इफ द मिल्क इज सिंथेटिक एंड अडल्ट्रेटेड द कलर विल बी डार्क ग्रीन एंड द पीएच वैल्यू विल बी 10-11। अगर उसके अंदर बहुत सारी एडिशन ऑफ द केमिकल्स है, लेट्स सपोज फॉर्मेलिन भी है, यूरिया भी है, स्टार्च भी है, तो क्या हो जाएगा, कलर बहुत डार्कर शेड पर चला जाएगा आपके पास, और उसकी पीएच वैल्यू कहाँ फॉल करेगी, 10-11 के बीच में या 10-11 में ही फॉल कर जाएगी आपके पास। ठीक है, ग्लूकोज की एडिशन, शुगर ग्लूकोज मीठा करने के लिए जिस चीज की एडिशन हुई है, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क ऑन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, लाइक 1 teaspoon to 1 ml तक आप दूध ले लो, एड इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडेड रिएजेंट। ठीक है, बेंडेड रिएजेंट आप लोगों ने 9th-10th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, वो एक रिएजेंट है आपके पास, उसको आप लोगों ने डाल देना है ड्रॉपर से दूध के अंदर बहुत ही आराम से, और फिर आपने उसको अच्छे तरीके से स्टेल करना है या शेक करना है। ठीक है, कीप द टेस्ट ट्यूब इन बॉइलिंग वाटर, फिर वही वाला जिसमें आपने पेंडेड रिएजेंट डाला है वही वाला टेस्ट ट्यूब उठा के आपने बॉइलिंग वाटर के अंदर उसको बाद देने, बॉइलिंग वाटर के अंदर डालना है, नहीं उसके अंदर उसको डिप कर देना। ठीक है, अगर ब्लू कलर, यहाँ पे जब ब्लू कलर आएगा तो इसका मतलब है कि दूध के अंदर ग्लूकोज नहीं है। ठीक है, नॉट अडल्ट्रेटेड। अगर ग्रीन कलर आएगा तो इसका मतलब है दूध के अंदर ग्लूकोज की एडिशन हुई है। ठीक है, येलो कलर, स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, अगर येलो कलर आता है तो मतलब कुछ रेशियो में आपके पास ग्लूकोज है। ठीक है, अगर ऑरेंज आता है तो इसका मतलब है मॉडरेट अमाउंट जो है अच्छी खासी वफ़े मकदार में है। ठीक है, ब्राइट रेड क्या होगा, अगर दूध बिल्कुल रेड हो जाए तो इसका मतलब है कि लेट सपोज 1 glass में 2 tablespoons ग्लूकोज डाला हुआ है, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज होगी आपके पास। ठीक है, बेंडेड रिएजेंट क्या होता है, आप उसको अगर आपके पास, वैसे तो जो लैब्स होती है उसके अंदर बेंडेड रिएजेंट बना हुआ पड़ा होता है, अगर नहीं है तो क्या होता है, मिक्सचर होता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम सिट्रेट, कॉपर 2 एंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, इन सबको मिक्स करके क्या बन जाएगा, बेंडेड रिएजेंट बन जाएगा। हम लोग किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, पानी के अंदर, जूस के अंदर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो बेंडेड रिएजन होता है वो शुगर लेवल्स होते हैं उनको चेक करने के लिए होता है आपके पास। ठीक है, रिजल्ट ऑफ टेस्ट और एनालिसिस शैल बी राउंडेड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद पीएस 103 फॉर मेथड्स ऑफ राउंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, राउंड अप में आपके पास आना चाहिए 10.765 नहीं बल्कि 10.766 विल बी द एक्यूरेट। ठीक है, राउंड अबाउट में आपके पास रिजल्ट आना चाहिए, अगर आपके पास इससे ऊपर नीचे आता है तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट ठीक नहीं है, आप कहीं पे जो है मेथड मिस कर रहे हो या प्रोसीजर में आपका कोई मसला है। ठीक है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड एनालिसिस कॉडेक्स का था, 1999 में आपके पास मेथड आए थे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 में, कंटिन्यू पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, इतना छोटा सा लेक्चर था आज का, कोई क्वेश्चन थे नहीं, ऊपर से स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही थी आज हमारी। क्लास में है आप लोग? यस मैम। मैम लेक्चर छोटा था लेकिन काफी न्यू चीजें हैं, तकरीबन सारी न्यू चीजें हैं। लेक्चर आज मजे का था और आज ही टेंशन हो गई थी। अच्छा बेटा, हमारी आप लोग ही कंप्लेन कर देंगे, ये फलानी फलानी क्लास का जो इंटरनेट है वो इशू करता है। मैम तकरीबन क्लासेस में आ जाता है इशू, जो सर भी कहते हैं कि यूएमटी का नेट जो है वो सही नहीं है। आज नेट स्लो है, आज बिल्कुल मोबाइल पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा और सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा मसला आ रहा है आज। कोई बात नहीं मैम, चलिए जी अब आपकी अटेंडेंस। मैम आप इसका क्विज वगैरह कब लेंगी? क्विज बेटा हमारे 6 लेक्चर हो गए ना, 7th लेक्चर के बाद क्विज लूंगी मैं। ओके मैम, और मैम असेसमेंट प्लान क्या होगा? असेसमेंट प्लान बेटा सर को, आप लोगों को पता है सर को कोविड हुआ था, सर नहीं आ रहे तो वो अप्रूव ही नहीं हुआ अभी तक, बना हुआ है वैसे आपका।
मैम अगर आप क्विज लें तो क्या पैटर्न होगा क्विज का? क्विज बेटा मैंने तो जो सोचा है वो अब आगे सर को पता होगा, मैंने सोचा मैं आपसे लोगों से 30 एमसीक्यूज लूंगी और हमने वो चार नहीं याद किए, हमने कुछ और याद किया है, तो हम ये चीजें वाइवा के हिसाब से याद कर लें कि इनके साथ नाम पूछती हैं, चार तो हम बता दें। आप ना अब देखिए जैसे अब आपको ये वाला सब्जेक्ट है इसमें केमिकल्स के नाम बहुत ज्यादा है और डेट्स भी अच्छी खासी हैं। अब अगर इस चैप्टर में से मैं बनाऊंगी तो इसमें टेस्ट है, तो इसमें मैं आपसे पूछ सकती हूँ अगर कोई चीज मैंने ऐड किया या रिमूव किया तो कैसे कलर आ सकते हैं, ठीक है? तो वो हर जो चैप्टर है ना उसमें कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट होते हैं। अब इसमें टेस्ट है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। लेट्स सपोज अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अगर फाइनल में देती हूँ ना तो भी हो सकता है, अगर इसमें से मैं उठाऊंगी तो मैं कोई टेस्ट उठा के आपको दे दूंगी। या फिर अगर कॉडेक्स वाले जो चैप्टर थे स्टार्टिंग वाले हमारे जिसमें हम लोगों ने लॉस पढ़े थे उसमें डेट्स बहुत ज्यादा थी तो डेट्स पे फोकस करें। फिर हमारे पास जैसे हलाल और हराम वाला एक चैप्टर था, सेकंड था कि थर्ड था, उसमें हमारे पास थी कुछ कोड नंबर्स थे और कुछ हमारे पास थे उसमें भी शायद मुझे लगता है कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर थे और कुछ हमारे पास प्रिंसिपल थे, 7 प्रिंसिपल्स थे। तो वो 7 प्रिंसिपल्स जो है ना वो आराम से आपके पास फाइनल में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। वाइवा के लिए तो फिर खैर थ्रू आउट स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों को, और वाइवा तो इस दफा होंगे आपके सही वाले वाइवा 60% वाले। नो मैम, सर ने कहा 20 पे चली गई है। वाइवा की वेटेज बहुत कम कर दी है, इस दफा मिड्स हो रहे हैं। मिड्स तो मिड्स नहीं होने चाहिए थे, मिड्स की जगह ना मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट के लिए सोचा था। इसमें तो टीचर पे डिपेंड करते हैं वो जो भी लेना चाहे असेसमेंट। इस दफा असल में ये एक क्विज का भी हमारे पास ऑप्शन होता है ना, क्विज लेना है प्रेजेंटेशन लेनी है जो मर्जी। इस दफा यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ चीजें जो है वो मस्ट कर दी है। मैम क्या मस्ट किया? क्विज सॉरी वो मिड मस्ट है इस दफा। मैम फिर आप क्विज की जगह कोई ले लें। आप लोगों का क्विज छोटा है ना, मैंने उसकी परसेंटेज कम कर दी है। मैम आप उसकी जगह पे अपना प्रोजेक्ट ले लें जो आपने देना है। बेटा फिर उसकी फिर वेटेज कम है और फिर प्रोजेक्ट लंबा है और फिर आप लोग कहें कि मैम ने अच्छी मार्किंग नहीं दी, फिर आप लोग खफा भी तो बहुत। नहीं मैम हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फाइनल में दे देना आप प्रोजेक्ट ही ले लें। नहीं मिस आप मैम प्रोजेक्ट नहीं है, वेटेज थोड़ी है तो कोई फायदा नहीं है ना। क्विज है ठीक है, वेटेज के हिसाब से क्विज ही रखें। क्विज तो लास्ट टाइम हमने लास्ट टाइम भी लेने की कोशिश की थी पर वो सर ने फिर मना कर दिया था ना हमें। मैम जैसे आपने डाइटेटिक्स में किया था, मैंने आपसे डाइटेटिक्स 1 पढ़ी है, उसमें हमारे असाइनमेंट्स थे मोस्टली, उस तरह हो सकते हैं सवा। बेटा तो तब तो मौज लगी हुई थी ना, हम लोग घर बैठ के जो काम करते थे, अब तो यूनिवर्सिटी आना पड़ता है। तो मैम हमारी मैम हम मेहनत पे तो फिर इतनी करते थे, आपको देखने से भी तो पता लग ही जाता होगा जो बच्चे मेहनत करके बनाते हैं। तो आप लोग भी तो असाइनमेंट से मार्क्स अच्छे थे तब। मैम यूनिवर्सिटी ओपन होने का कोई चांस है? लग तो नहीं रहा मुझे। और ईद अच्छी गुजर गई आप लोगों की घर पर? यस मैम बहुत अच्छी गुजरी है। यस मैम क्विज़ेस आ गए मैम उसके फौरन बाद। किसी ने अनाउंस किया क्विज़ अभी तक? फार्मा को नहीं मैम, आज हमने क्विज़ दिया मैम, आज हमने दे दिया क्विज़। मैम मिस अफीफा ने लिया लेकिन वो बहुत ज्यादा क्विज़ेस देती है नॉर्मली भी, और फिर वो बेस्ट वन चूज करती है। क्या कर सकते हैं मुझे, मैं तो कह रही हूँ जल्दी से 23 तक कोई ऐसे नोटिफिकेशन आए और आप लोग ऑन कैंपस आ जाए, जो ऑन कैंपस खुद ही चाहते हैं, मजा आता है। नहीं आता मैम हमें भी नहीं आता ऐसे पढ़ने का, ऐसे लगता है कि हम ना घर में बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या स्क्रीन पे चले जा रहा है। और ये सब चाहिए ऐसे ना, इसका प्रैक्टिकल वर्क अच्छा खासा, इतने सारे इसमें प्रैक्टिकल्स हैं तो आपकी बचत हो जाएगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट से आप लोग बच जाएंगे।
मैम लेकिन ऐसे थ्योरी भी तो नहीं ना पढ़ी जाती, इसमें थ्योरी है नहीं, है ही आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें जो ये प्रैक्टिकल्स डाले हुए हैं ये डाले इसी वजह से थे क्योंकि इसमें पढ़ने का कुछ नहीं है तो लैब में आप लोग टाइम गुजार लें। मैम वैक्सीनेशन हो गई है, हम लोग एसओपी को फॉलो कर लेते हैं, उन्हें क्या पता हमें बुलाओ नहीं। वैक्सीनेशन यस मैम हो गई है, मेरी भी हो गई है, मैं भी वैसे ही एसओपी फॉलो कर रही हूं। मैम सबसे अच्छी वाली वैक्सीन कौन सी है? एक तो वो ना चाइना की, एक दूसरी है, मतलब कौन सी लगवानी चाहिए हमें? एक रशियन आई हुई है और एक चाइना और एक यूके की है। मैम यूके की मैम कौन सी लगवानी चाहिए? तो यूके वाले कह रहे हैं ठीक नहीं है मैम, ये लगवानी चाहिए भी कि नहीं? बेटा मुझे तो लगवाए हुए कोई 2 से 3 महीने हो गए, मैं तो काफी पहले लगा रही थी, मिलिट्री वालों की जल्दी आ गई थी तो मैं तो लगवा ली थी पहले। मैम कुछ लोग कहते हैं कि एंथ्राजेनिक नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि वो यूके की है, और कुछ कहते हैं चाइना की लगवानी चाहिए। बहुत लंबी सारी एक उस दिन मैं आर्टिकल पढ़ी थी, तो वो थी कि जिसमें सर्टेन डिजीजेस जैसे कार्डिक पेशेंट हैं उनको लगाने से पहले अपनी मेडिकेशन सही करनी चाहिए, या फिर जिनके ब्लड क्लॉटिंग का इशू है उनको, या जो कुछ फीमेल्स है जिनको हार्मोन्स के इशू है उनको, मतलब उनको पहले अपनी वो वाली जो डिजीजेस हैं वो पहले नॉर्मलाइज करनी चाहिए उसके बाद लगाने चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनली ऐसे देखा कि 2-4 अंकल्स थे जिनको कार्डिक इश्यूज थे और उन्होंने लगवाए, और जैसे ही लगवाए एक की शाम में डेथ हो गई, एक की 2 दिन बाद डेथ हो गई, सडन कार्डिक अरेस्ट हो गए। तो आपको अपने आप को पहले खुद देखना है फिर जाके लगवाना चाहिए। अच्छा बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की कि बुखार हो जाता है, तो बुखार सिर्फ उन लोगों को हुआ है सेकेंड शॉट लगवाने के बाद जिनके अंदर कोविड के जो जर्म्स थे या जो वायरस था वो प्रेजेंट था, तो वो हल्का सा उनको टेम्परेचर चढ़ा है, वो हर वैक्सीन के बाद होता है। इवन अगर आप टाइफाइड की भी लगवा लें और आपको बुखार चढ़ जाए तो मतलब होता है कि आपके अंदर टाइफाइड का वायरस था। तो ऐसे और तो कुछ भी नहीं है, पर ये डिपेंड करते हैं आपकी आप वैक्सीन कौन सी लगवा रही हो। क्योंकि परसों ही मेरी इस चीज पर डिस्कशन हुई है कि जो यूके वाली जो है वैक्सीन वो अच्छी नहीं है। मैम इससे अच्छा बंदा लगवाए ना, बस एहतियात कर लो। यस मैम एसओपी फॉलो करे वो ज्यादा बेहतर नहीं, इलाज से बेहतर एहतियात है वो। ये मैं अपने घर में उस दिन मैंने बोला, मुझे डांट पड़ गई, मैंने कहा इलाज से बेहतर एहतियात करे। मैम मैं तो अपनी फैमिली को नहीं अलाउ कर रही कि वो लोग ये लोग लगवाएं वैक्सीन। अच्छा, क्योंकि काफी ज्यादा उम्र आ रही है, जो बहुत एजेड लोग हैं मेरी फैमिली में भी उनको मैंने भी यही बोला कि आप लोग ना लगवाएं तो अच्छा है, आप लोगों ने तो वैसे भी इतना बाहर नहीं निकलना होता, इतनी सोशल इंटरेक्शन नहीं होती, घर में बैठ के एहतियात करें। प्रॉब्लम्स उनमें आ रही है जिन्हें जिस तरह हार्ट अटैक पहले हो चुका है, एंजाइना अटैक आया है, या शुगर का मसला है। तो जिस तरह मेरे तायबू थे उन्हें मतलब कि एंजाइना अटैक भी हुआ हुआ था और उसके अलावा उन्हें शुगर का भी मसला था, तो उन्हें वो वैक्सीनेशन सूट नहीं की। अब मेरे बाबा की डेट आई है, मेरे बाबा को भी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो मैं तो उन्हें लगवाने नहीं दे रही। मैं कह रही हूँ इस अच्छी मतलब कि अगर प्रॉब्लम आ रही है उन पेशेंट्स में तो फिर इससे बेहतर यही है कि आप ना लगवाएं। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पेशेंट्स में ही आ रही है। मतलब अब जैसे मैं नॉर्मल थी, मैंने लगवाई, मुझे तो सेकंड शॉट के बाद ना बहुत सारे लोगों को बुखार हुआ है, मुझे तो सेकंड शॉट के बाद बुखार भी नहीं हुआ, तो वो वेरी करते हैं। मेरी सिस्टर को हो गया था तो वो डॉक्टर ने कहा था कि इनमें कोविड के जो थे वो जर्म्स वो थे इसलिए हो गए। इसी तरह मेरे चाचा हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है और उसके बाद भी उनको माइनर सा कोविड हो गया है। तो ये डिपेंड करता है। तो वैसे अच्छा है कि आप लोग, मैं तो हर लोगों को यही कह रही हूँ अच्छा है कि ना लगवाएं, एहतियात करें। जो घर पे हैं जैसे आप लोग अभी घर पे हो, आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना तो बिना वजह पेन नहीं लेनी चाहिए। मैम अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो एसओपीस फॉलो करें, किसी से मिले नहीं, मतलब मास्क वगैरह पहने तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है। और जैसे मतलब है कि वार्म वाटर पिए, इस तरह तो कुछ भी नहीं होता। असल में चीज ये है ना बेटे, जो भी इस तरह की जब ये वबा वगैरह आती है ना, इससे बचता तो कोई भी नहीं है, चाहे जो मर्जी आप कर ले, एक दफा तो आपको लग के रहता है ये। तो वो मुझे लगता है एक एक दफा तो हम सब ने, किसी का जरा सवेयर था, किसी का माइनर था, पर गुजारा मुझे लगता है सब। यस मैम हो गया मैम, मुझे भी इवन के हुआ था, लेकिन वो भी सिम्टम्स सारे शो हो रहे थे कि जिस तरह टेस्ट ना आना, स्मेल भी ना आना, वो सारे टेम्परेचर चढ़ना बार बार, लेकिन ये था कि वो सवेयरिटी नहीं आई थी जिस तरह पेशेंट्स में आ रही है ना। सिवेरिटी भी मोस्टली जो ब्रोंकाइटिस या एस्थमा के पेशेंट्स उनमें ज्यादा है, या जिनको कैंसर वगैरह था। यस मैम,
मुझे खुद हुआ है, जब सेकंड वेव थी मुझे तो तब हुआ है, और मुझे शो मुझे फील नहीं हो रहा था, पर मेरा जो टेस्ट था वो पॉजिटिव था. मैम बेसिकली इम्यूनिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना आपकी, क्योंकि मुझे भी हुआ था लेकिन रिकवर, मेरे साथ पेशेंट दो और आए थे मेरी ही एज के थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर ने वो ड्रिप्स वगैरह और एंटीबायोटिक्स ने बहुत कुछ दे रहे थे, और मुझे डॉक्टर ने सिर्फ कहा था कि आप अपने ना फ्रूट्स ज्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस लें, फ्रूट्स लें, जो आपका दिल करता है आप खाएं. तब भी मुझे टेस्ट और स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा था कि आपकी ना इम्यूनिटी मुझे लग रहा है अच्छी, आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे. तो आपकी इम्यूनिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना कि आप कैसे हैं, हेल्थ पे भी. इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको बूस्ट करना चाहिए. शॉट लगवाने से ही, बट मैम इसी yes, मैम ऐसे ही है, लोग फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज लगवा ही नहीं रहे. मैम अटेंडेंस कब होनी है जी? अटेंडेंस मैम ने रूम से ले लिया है, इशू चल रहा है. मैंने आप लोग की पिक्चर्स ले ली हैं इधर से, मेरे पास है आपके लिए. चलिए ठीक है बेटा, क्लास लीव कर देती हूँ मैं. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम.